तो मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए 100K का गिव अवे। जी हाँ, मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए लेकर आई हूँ 100K के गिव अवे। और मैंने रूल्स बहुत ही सिंपल रखे हैं, बहुत ही सिंपल, जिससे कि हर कोई इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सके। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक। तो आज है मंडे, आज मंडे है और यहाँ पर मैंने सुंदर सुंदर से फ्लावर अपने वास में सजा दिए हैं। बाय द वे, वास नहीं है यहाँ पे ये एक जुगाड़ किया है मैंने आज। एक्चुअली मेरे पास इतना बड़ा कोई वास था नहीं और मैं इन फ्लावर्स को ख़राब नहीं करना चाहती थी। आपको याद होगा अगर आपने कल का व्लॉग देखा था कि कल के व्लॉग में दीदी मेरे लिए लेकर आई थी, मेरी सिस्टर, ये कहते हैं बहुत ही सुंदर सा बुके। और ये बुके वैसे कहते हैं बंद करके ऐसे ही रखा हुआ था, जैसे कि वो रैप वगैरह करके देते हैं। अगर मैं वैसे ही रखती इस बुके को तो ये जल्दी ख़राब हो जाता। तो मैंने सोचा कि इसे पानी में डालकर अच्छे से सेव कर लेती हूँ, कम से कम 1 वीक तो चल ही जाएगा। और फिर जब मैंने अपने आसपास देखा तो मेरे पास कोई इतना बड़ा वास नज़र नहीं आया। मैंने इंडियन जुगाड़ लगाया और ये प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा सा बॉक्स था जो कि ओट्स वगैरह आए थे इसमें, तो इसमें पानी डालकर और इसको इस तरीके से लगा दिया। तो आपको कैसा लगा ये आइडिया? बाय द वे अच्छा लग रहा है वैसे, भी रीयूज किया है, पता भी नहीं चला दूर से कि ये कोई वो है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, अगर हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे ना तो वास जैसा ही लगेगा। बाय द वे कल जो 100K था वो उधर वॉल पे लगा हुआ था और आज ये 100K हमने इधर लगा दिया है क्योंकि वो उस वाली वॉल पे लगे हुए थे सामने, तो ये यहाँ लगे हुआ था। आज मैंने वहां से हटाकर इनको यहाँ लगा दिया। और अब कशिश मुझे अपने रूम में लेकर आई है, बोल रही है कि मम्मी चलो देखते हैं कि बाहर वेदर कैसा हो रहा है। तो इट सीम्स सो गुड, यस, बहुत ही ऑसम वेदर हो रहा है इस टाइम, क्लाउडी, तो लगता है कि रेन इज गोना कम अगेन। यस, तो मुझे लगता है कि रेन आने वाली है, इसीलिए इतना अच्छा सा वेदर हो गया है। और पता नहीं कैमरा फोकस क्यों नहीं कर रहा अभी। ओके, दूर से कर रहा है, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो लेटी हुई हो? ओके, तो ये चलिए हम अपने रूम में से देखते हैं क्योंकि हमारे रूम से बहुत ही अच्छा व्यू आता है। तो ओके, तो आप देख रहे हो आसमान बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, पूरा क्लाउडी हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना धूल हो रही है आसमान में, पूरा आसमान क्लाउडी नहीं हो रहा, ये धूल वाला हो गया है आसमान। बहुत तेज धूल चल रही है यानी कि आंधी आ गई है। ओ माय गॉड कशिश, ये हमारे घर की लॉबी का हाल, इतना अंधेरा। वो भी कितने बज रहे हैं अभी टाइम? बज रहे हैं 4:30 बजे, तो शाम के केवल 4 बजे और इतना अंधेरा हो चुका है। तो बारिश हो गई फाइनली, मुझे लग रहा था धूल की आंधी चल रही है तो बारिश नहीं होगी, लेकिन फाइनली बारिश हो गई। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 8 और काफ़ी लेट हो चुका है क्योंकि इस बीच में बहुत कुछ हो गया। मुझे आज लाइव जाना था लेकिन मैं लाइव नहीं जा पाई क्योंकि घर का नेट ही उड़ गया, नेट उड़ के आ गया। मतलब मैं थोड़ी देर पहले आपको दिखा रही थी ना, थोड़ी देर पहले नहीं, 4:00 के करीब मैंने आपको दिखाया था, 4 घंटे पहले की बात है, कि बहुत तेज आंधी चल रही है, हवा चल रही है, उसके बाद बारिश भी हो गई थी। तो ये सब हो गया इस बीच में और बार बार लाइट आई बार बार गई, बार बार आई बार बार गई, इसके चक्कर में नेट उड़ गया और घर का जो मॉडम था ना वो भी खराब हो गया। फिर एक कॉल लॉग इन करी एयरटेल वालों को कि बोला भाई कि हमारे घर का मॉडम नहीं चल रहा है, नेट कनेक्शन नहीं है। फिर तभी मैंने, मुझे याद आया कि मुझे आप लोगों के साथ लाइव सेशन में जुड़ना था, मैंने 6:00 का आपको टाइम दे रखा था। मैंने कहा मैं सबसे पहले ये पोस्ट डालती हूँ कि मैं नेट की वजह से कहते हैं आप लोगों से लाइव चैट पे नहीं जुड़ पाऊंगी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने अभी लॉग इन की है कहते हैं कॉल तो ये लोग तुरंत तो नहीं आएंगे, कम से कम 1.5-2 घंटा तो लगाते हैं, और वही हुआ, ये लोग 1-1.5 घंटा के बाद आए। उसके बाद ये लोग, इन लोगों ने देखा कि कहाँ पे खराबी हुई है, घर में भी चेक किया, फिर बाहर जो वायर जा रहे हैं वहाँ पे भी चेक किया, तो लास्ट में सोल्यूशन निकल के ये आया कि मॉडम ही
खराब हो गया है तो मॉडम चेंज करना पड़ेगा, तो नया मॉडम लगा के गए वो लोग। और अगर आप सोच रहे हो कि मम्मी ने वो पोस्ट कैसे डाली अगर इंटरनेट की, तो वो तो मेरा 4G है ना, वो मेरे मोबाइल में 4G चलता है। हम लोग डेटा से ट्राई कर चुके हैं, दो बार लाइव एक बार किया था हमने लाइव डेटा से, वो अच्छा नहीं गया था। तुम इधर आके भी बोल सकती हो। तो एक्चुअली मेरे मोबाइल में 4G रहता है, तो मैंने सोचा पोस्ट तो मैं कर ही सकती हूँ, लाइव नहीं जा सकती, क्योंकि बार बार ना 4G के कनेक्शन में मैंने नोटिस किया है कि कनेक्शन टूटता है, और जब कनेक्शन टूटता है ना तो लाइव में जाने का मजा ना खराब हो जाता है, क्योंकि आधे लोगों को तो मेरी बातें ही नहीं समझ में आती, कभी लाइव जुड़ पाती है कभी लाइव टूट जाता है बीच में से। तो मैंने सोचा मैं ऐसे लाइव नहीं जाऊंगी, जाऊंगी तो अच्छे से ही लाइव जाऊंगी, और वैसे भी उन लोगों को ठीक करने भी आना था तो मुझे उनके साथ भी लगना ही था, तो मैंने सोचा कि नहीं आज लाइव नहीं हो पाएगा, और थोड़ी देर पहले ही वो लोग ठीक करके गए हैं सब। तो अभी फिलहाल मैंने सोचा आप लोगों को हेलो बोल देती हूँ, और रात बहुत हो चुकी है, मतलब 8 बज रहे हैं, लेकिन हमने शाम वाली जो कॉफ़ी या चाय थी ना वो हमने नहीं ली है। अभी प्रशांत मुझसे बोल रहे हैं कि हम चलकर बाहर कुछ टी या कॉफ़ी पी के आते हैं, तो आज हम बहुत लेट कॉफ़ी पीने वाले हैं, और फिर डिनर भी हमारा लेट ही होगा। डिनर में हमें कुछ खास नहीं बनाना है आज, कशिश का मन है क्या बनाने का, पास्ता बनाने का। तो आज हम लोग सोच रहे हैं मैगी वाला पास्ता नहीं बनाऊंगी, मैं खुद का हैंडमेड रेसिपी बनाऊंगी। हाँ, तो कशिश हैंडमेड पास्ता बनाने वाली है अपना, अगर बनाती है तो मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। और हाँ, आज मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है, क्या कहते हैं, एक सरप्राइज़ के बारे में मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, तो मेरे ब्लॉग से जुड़े रहना, क्योंकि ये बात भी मैं आपसे इसी ब्लॉग में शेयर करूंगी, तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर मिलकर कॉफ़ी पीते हैं, और जब तक मैं कॉफ़ी हाउस पहुंच रही हूं तब तक आप ये छोटा सा यूज़फुल वीडियो है जो कि स्पेशली बच्चों के लिए है, इसे चेक कर लीजिए, और मैं मिलती हूं आपसे थोड़ी देर में। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूं, जो बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है और आप लोगों को भी। तो आज मैं बात करने वाली हूं मम्मा अर्थ के ये नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट पैचेस के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये कुछ बॉक्स इस तरीके का लगता है, और ये 24 पैचेज हैं इसके अंदर, और ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर में अवेलेबल है मार्केट में, जैसे 12 वाले भी मिल जाएंगे, मैंने 24 वाला परचेज किया है। और मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट आप अमेजोन से, फर्स्ट क्राई से, और खुद मम्मा अर्थ की वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। तो अब मैं इसके बारे में बात करती हूँ। तो ये वाटर प्रूफ है पहली बात तो, और 12 आवर्स के लिए अच्छे से चल जाता है। और इन ये पैचेस लगते कैसे हैं देखने में आप ज़रूर जानना चाहते होंगे, तो इस तरीके से ये आए हैं मेरे पास इस तरीके से, और अब आप इसको ओपन करके ऐसे निकाल सकते हो। तो एक पैकेट में इसमें 12 है और दूसरे में फिर 12 है, तो इस तरीके से 24 है। तो ये हैं ये पैचेस, कितने क्यूट है ना, बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाले हैं, क्योंकि बच्चे इस टाइप के स्टिकर्स अपने बिस्किट्स वगैरह और जो वो छोटे मोटे अपने गेम वगैरह नहीं खरीदते रहते, तो उसमें निकलते तो कितना खुश हो जाते हैं। पहली बात तो जैसे ही मैंने ये खोला इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही, क्योंकि इसके अंदर है सिट्रोनोला ऑयल, लेमन एक्सट्रैक्ट और पेपरमेंट ऑयल, तो ये प्योरली सेफ है, केमिकल फ्री है, और आप इन्हें बच्चों के कपड़ों पर लगाकर यूज़ कर सकते हो। जब बच्चे बाहर खेलने जाएँ तो आप उनके कपड़ों पर लगा दो, आपको इसे स्किन पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये कपड़ों पर यूज़ होते हैं, और आप भी कहते हैं टेंशन फ्री रह सकते हो, बच्चे कहीं भी घूमें कहीं भी खेलें। अब बच्चे हैं तो खेलने तो बाहर जाएंगे ही, वैसे ही बारिश का सीज़न चल रहा है, तो बारिश के सीज़न में तो मॉस्किटो आपको पता ही है कितना ज़्यादा डर रहता है कि मॉस्किटो ने काट लिया तो बीमार ना पड़ जाए बच्चे। तो ये बाय द वे क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया से, तो ये इतना अच्छे हैं, आप इन्हें ज़रूर यूज़ करके देखो, आपको भी पसंद आने वाले हैं। मुझे तो मतलब बहुत ही अच्छे लगे, मुझे यूनिक आइडिया लगा कि कितना यूनिक आइडिया है। लिक्विड ऑयल ये सब तो मार्केट में बहुत तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं और भी ब्रांड्स में, लेकिन इस टाइप का आइडिया अभी तक मैंने किसी और ब्रांड में नहीं देखा है, और बच्चों को भी नहीं मालूम पड़ेगा। बच्चे ना अक्सर ये ऑयल वगैरह होते हैं ना, उनको लगाने में बड़ा अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं और मानते भी नहीं है, कहना कि बेटा क्रीम लगा लो, ऑयल लगा लो, मॉस्किटो नहीं काटेंगे, तो नखरे करते हैं थोड़ा सा। लेकिन ये पैचेस जो क्यूट क्यूट से इनमें डिजाइन बने हुए हैं ना, इन्हें लगाने में कोई नखरे नहीं कर सकते। तो आप इसे न्यू बॉर्न से लेकर 10 साल के बच्चों के कपड़ों पर लगाकर यूज कर सकते हो। और मम्मा अर्थ की सबसे खास बात ये है कि ये प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज। तो इस प्रोडक्ट का जो भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, और इंडियन मॉम स्टूडियो के सब्सक्राइबर को 20% डिस्काउंट भी मिलने वाला है, तो आप मेरे थ्रू जाकर इसकी शॉपिंग कर सकते हैं और 20% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो यही था मेरा
छोटा सा रिव्यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये प्रोडक्ट सच में बहुत यूजफुल है और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। क्या करने आए आप यहाँ? आपको यही की कॉफी क्यों पसंद है? आप मेरे हाथ की कॉफी क्यों नहीं पीना चाहते? नहीं, तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने में डर लगता है। इस बार ना हम लोग बहुत दिन बाद आए हैं यहाँ पर कॉफी पीने, है ना, बहुत टाइम बाद आए हैं यहाँ पर कॉफी पीने। वैसे ये हमारी बहुत फेवरेट प्लेस है कॉफी पीने के लिए, अक्सर हम लोग आते रहते हैं यहाँ पर, लेकिन इस टाइम थोड़ा लेट आए हैं, हो गया मुझे लगता है एक डेढ़ महीने बाद। और कशिश भी है इस बार तो हमारे साथ, वरना मैं और प्रशांत ही आते हैं कॉफी पीने यहाँ। रेड एंड व्हाइट सॉस पास्ता, उसके लिए हमें चाहिए अबाउट 2 कप ऑफ पास्ता। अब मैंने 2 कप्स ले लिया, बट अगर आपके ज्यादा मेंबर्स हैं तो ऑब्वियसली आप ज्यादा लोगे। बाय द वे मैं नीचे थी और कशिश को ऐसी चीजें ऐसे काम करने का बेहद शौक है। आज मैं फ्री हूँ, मुझे कोई कुकिंग नहीं करनी है और कशिश को बेकिंग का बेहद शौक है। बेकिंग में वो बहुत सारी चीजें जानती है। पहले वो बहुत रेगुलर बेकिंग करती थी, लेकिन अब उसने छोड़ दिया है। मन हट गया लगता है मेरा। नहीं नहीं, मन नहीं हटा है मेरा, नहीं इसका, मन हट गया लगता है इसका। हट गया मन? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं रहता ना। और वैसे भी यहाँ पे जो ओवन है वो छोटा पड़ता है, इसको ना बड़े वाले ओवन में करने की हैबिट थी। पहले कर लेती थी, इतना बड़ा ओवन था हमारे पास तो उसमें वो करती थी। वो बिल्कुल गैस के नीचे लगा हुआ होता है ना वो बड़ा वाला ओवन, तो वो था घर में हमारे पास, तो उसमें बहुत सारी ये बेकिंग करती थी। लेकिन जब से ये कन्वेंशनल ओवन, हाँ ये वाले ओवन जो होते हैं ना जो वॉल वगैरह पे लगाने वाले, ये छोटे होते हैं थोड़े ओवन, और फिर इतना आप फ्रिक्वेंटली यूज भी नहीं करते हो इनको। हम अपने प्योरीफाइड वाटर को यूज करें ना, वॉल करते। हाँ हाँ, इसमें थोड़ा सॉल्ट और वो थोड़ा सा ऑयल डाल देना जिससे चिपके नहीं। इतना पानी सही है ना वॉल करने? हाँ इतना काफी है। जो जितना तुमने ये लिया उसका कहते हैं जस्ट डबल पानी डालो। हाँ तो अब हमने पानी को बॉईल करने से पहले डालेंगे इसमें सॉल्ट। ये मेरा फोन बच रहा है। फोन में हमारा पानी बॉईल हो गया है, तो हम अपना पैनी पास्ता डालेंगे। इससे पहले मुझे याद आया हमें वेजिटेबल ऑयल भी डालना है, बहुत थोड़ा सा डालना, बस काफी है। काफी है स्टिक ना करे ना। यस तो अब हम अपने पैन को रख देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर, अबाउट 1 टेबलस्पून ऑफ बटर, हम अपने बटर में डालेंगे 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ व्हीट फ्लावर। अगर मैदा हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, बट व्हीट फ्लावर भी आपका चल जाएगा। हमारा ये जो फ्लावर है ब्राउन तो हो रहा है जल्दी जल्दी, तो अब हम इसमें 1 कप मिल्क डालेंगे। तब तक ये
यहाँ पे मेरी व्हाइट सॉस बन चुकी है, बिल्कुल तैयार है बनके, और मैं इतनी थिकनेस पे छोड़ देना है क्योंकि हम ये और भी ड्राई हो जाएगी जब तक हम रखेंगे, तो इतना थिकनेस इसकी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर चार टमाटर बॉईल किए हैं और इनकी जो स्किन है वो पील आउट कर लेनी है, और उसके बाद इन टमाटो उसको ठंडा होने पर मिक्सी में पीस लेना है क्योंकि इससे बनेगी रेड सॉस। यप। तो अब हम एक पैन ले लेंगे जिसमें हम मेनली अपना पास्ता कुक करने वाले हैं। इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, अब हम अपनी फाइनली चॉप्ड अनियंस ऐड कर देंगे, अब हम ऐड करेंगे सम गार्लिक पेस्ट, मैं अबाउट 1 teaspoon ऐड कर रही हूँ, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड सम चॉप्ड कैप्सिकम, एंड ये हम कितनी भी अमाउंट में ले सकते हैं, आप कोई और भी वेजिटेबल्स ले सकते हो, अगर आपको कोई और वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं जैसे जुकीनी, कुकम्बर, लाइक एनी वेजिटेबल्स यू लाइक। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा टमेटो पल्प, वो टमेटो पल्प जो हमने अपने टमेटोज को बॉईल करके बनाया था। मैं अबाउट 4 टमेटोज का पल्प ले रही हूँ। कुक होने देंगे इस टमेटो पल्प को एटलीस्ट फॉर लाइक 5 to 6 minutes, इतना तो बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारा सारा टमेटो पल्प अच्छी तरीके से कुक हो जाए। हमें हो चुके हैं 7 to 8 minutes एंड दिस लुक परफेक्टली कुक्ड। अब हमारा जो टमेटो था वो रॉ नहीं है, आप देख सकते होगे। It looks nice and cooked. अब हम इसमें हम सारी अपनी टॉपिंग्स ऐड करेंगे, जैसे टोमेटो केचप, अबाउट 2 tablespoons ऑफ केचप, थोड़ी बेसिल, आपके पास फ्रेश बेसिल है तो ज़्यादा बेटर है, बट आप ये वाली भी डाल सकते हो, सीजनिंग वाली। भर भर के डालो अपना पिज्जा ओरिगैनो, आई मीन भर भर के, ये कितना अच्छा लगता है ना खाने में, इससे पूरा टेस्टी बेटर हो जाता है। इस सबको मिक्स कर लो अपने उसके साथ। वन पैकेट ऑफ रेड चिली फ्लेक्स, हम लोग इसको कंप्लीटली मिक्स करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को जो हमने ऐड किया है। इसमें मैं थोड़ी सुजन सॉस भी मिलाऊंगी क्योंकि मुझे इसे स्पाइसी करना है, बहुत ही कम, मतलब आपके स्पाइसीनेस लेवल के हिसाब से आप इसे ऐड करें। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, हम इसे लो फ्लेम पे अपनी जो बाकी बची हुई व्हाइट सॉस का बच गया है हमारा उसे ऐड कर देंगे। जो हमने व्हाइट सॉस बनाई है उसे हम ऐड कर देंगे, थोड़ी थिक हो गई है एक्चुअली, ये व्हीट से बनी है, अगर आपने मैदा से बनाओगे तो कम थिक बनेगी, हाँ थोड़ा कम थिक रहती है, उसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी होती है। घर में ऑल पर्पस फ्लोर खत्म हो गया था तो उसकी प्लेस पर हम लोगों ने व्हीट फ्लोर यूज किया है, इसे ढंग से मिक्स कर लेंगे। हम अच्छे से ध्यान देंगे कि ये जो व्हाइट पार्ट है उसका वो ढंग से मिक्स हो जाए सारी ग्रेवी में। हम लोग जब मार्केट में गए हमें पता चला कोई चीज आ ही नहीं रहा, मतलब मोजरेला चीज इज नॉट अवेलेबल, हम लोग ने बहुत जगह ढूंढा नहीं मिला, तो अब बिना चीज के भी खा लेंगे। क्या है, बटर डाल देंगे एक्स्ट्रा, बहुत टेस्टी लगेगा, बट आपको
मैं रिकमेंड करूंगी कि आप चीज ऐड करो जिसकी और चीजी और क्रीमी बने, बट हमने क्योंकि ऑलरेडी व्हाइट सॉस बना ली थी तो उससे काफी क्रीमी पहले ही बन गया। जो लास्ट इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे वो है सॉल्ट। अब हम अपना पास्ता ऐड कर देंगे सॉस में। हमने अपना पास्ता ऐड कर दिया तो हमें इसे ढंग से फोल्ड करना है, सारे सॉस को ढंग से पूरे हमारे पास्ता में फोल्ड करना है, जैसे कि हर एक पास्ता के पीस में सारा का सारा मसाला और सारा का सारा सीजनिंग आ जाए। देख सकते हो कितना क्रीमी और चीजी पास्ता लग रहा है ना। इतने सारे फ्लावर्स हैं, दिख नहीं रहे होंगे बट आवाज आ रही होगी। दैट्स फाइन। बस बहुत है। और भैया इसे खोलेंगे कहाँ से? चाहिए ये ले ले, मेरे हाथ में ज्यादा आ गया पता नहीं। मेरे में भी डाल देना, मुझे भी अच्छा लगता है। नहीं अपने हाथ में लेके डालो, इसके अंदर वो क्यों नहीं है छिड़कने वाला? तो दोनों सारे दो साइड है, यहाँ तीन है, उल्टा दो साइड है, एक में ज्यादा निकलता है एक में थोड़ा कम निकलता है। आप शेजवान सॉस डालोगे थोड़ा सा? अच्छा ना, क्रीमी क्रीमी। मेरे को थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो मैं थोड़ी सी और मैं कहता कोई मीठा खाना है ना कर रही हूं। तो मैं मीठा का भी टच है इसमें। शुगर डाली है इसमें कशिश? क्रीम बनाई हुई उससे हो। अगर घर में मैदा नहीं है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप आटा यूज करके देख सकते हो। हमने किया है आज और परफेक्ट फ्लेवर आ रहा है। मुझे नहीं पता था कैसे बना था, मुझे तो लगा था ज्यादा अच्छा नहीं बन पाएगा, काफी अच्छा बन गया। कभी कभी कशिश के हाथ की ऐसी डिशेस खाना अच्छा लगता है। रोज वो रोटी सब्जी तो हम खाते ही हैं, है ना, विदाउट चीज भी ना बहुत चीजी लग रहा है। चीज की कमी नहीं लग रही इसमें बिल्कुल भी। सही जा रही। बर्तन क्लीन करके रख रही हूँ क्योंकि कल हाउस हेल्पर नहीं आएगी, कल आंटी छुट्टी पर है और जब भी वो छुट्टी लेती है ना इस टाइप की तो मैंने उनको बोल रखा है कि आप एक दिन पहले मुझे बता दिया करो जिससे कि मुझे आइडिया लग जाए कि आप कल नहीं आ रहे हो, कि कल हाउस हेल्पर नहीं आने वाली है तो आप रात में ही अपना काम वाम ख़त्म करके सो सकते हो। तो ज़्यादातर मैं यही करती, जब मुझे मालूम रहता है कि वो नहीं आने वाली है तो मैं बर्तन एक भी नहीं छोड़ती, सारे बर्तन क्लीन करके ही सोती हूँ, जिससे कि सुबह जब मैं उठूँ तो मुझे किचन जो है थोड़ी सी भी गंदी ना दिखे, सारे बर्तन क्लीन हो और मैं आराम से अपने काम स्टार्ट कर सकूं। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम तो वैसे ही भाग दौड़ वाला होता है, ऊपर से ये बर्तन और दिख जाएंगे तो सारा टाइम तो इसी में जाने वाला है, कम से कम 30 मिनट तो चले ही जाते हैं। तो अभी रात के बज रहे हैं 11 o'clock और कशिश जाकर सो गई है, थक गई थी वो भी। एक्चुअली कल तो पार्टी थी घर में और पार्टी की वजह से काफ़ी रात तक हम लोग जगे और लेट नाइट सोए और सुबह सुबह उसको पेपर देने जाना था तो वो पेपर देने के लिए निकल गई थी अपना एग्ज़ाम के लिए, और फिर आने के बाद वही ट्यूशन वगैरह और उसके बाद आप देख ही रहे थे, मैंने आपके साथ शेयर ही किया अपना ब्लॉग। तो वो आज बहुत बुरी तरह से थकी हुई थी और वो पार्टी की वजह से पढ़ नहीं पाई थी ना, तो वो रात में 3 o'clock उठ के पढ़ी थी, तो वो सोई थी 12:30 पे और 3 o'clock उठ के उसने पढ़ाई करी अपने एग्ज़ाम के लिए, तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो आज मैंने उसको बोला कि तुम सो जाओ टाइम से, हालांकि आज भी लेट ही हो गया लेकिन फिर भी चलो नींद तो पूरी हो जाएगी सुबह तक, 5:30-6 बजे तक उठती है वो, तो तब तक उसकी नींद पूरी हो जाएगी। उसको मैंने बोल दिया आज तुम ज़्यादा लेट मत जगो, आज पढ़ाई रात में मत करो, अपना अभी सोकर रेस्ट कर लो, वैसे भी लास्ट था उसका आज एग्ज़ाम, तो अभी तो मैंने उसे सोने के लिए बोल दिया। तो हाँ कहते हैं
मेरी एक वीडियो जिस पर 400K तक व्यूज़ गए हैं, जो कि इसी वीक मैंने डाली थी, और क्या कहते हैं, एक रैंडम इंसिडेंट था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और बस उस दिन मेरा थोड़ा मूड ख़राब था, और मैं, आपको तो पता ही है, मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ, तो जो भी रिकॉर्ड करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ऐसे कुछ कहते हैं रियल इंसिडेंट था मेरे साथ का, और जो मैंने आपके साथ शेयर करा उस वीडियो में, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो वीडियो इतनी टची निकलेगी कि इतने सारे लोग उस वीडियो से जुड़ जाएंगे। 400K उस पर व्यूज़ आ गए हैं ओनली वन वीक के अंदर, और लोगों ने, सभी लोगों ने इतना प्यारे प्यारे और इतने दिल से कमेंट लिखे हैं ना, अपने कहानियाँ लिखी हैं, प्रॉपर अपनी अपनी स्टोरीज़ लिखी हैं लोगों ने, एक एक पेज की, दो दो पेज तक की स्टोरीज शेयर करी हैं। और वो जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था वो एक रैंडम इंसिडेंट था, और कभी कभी यार घर है, लाइफ है, फैमिली है, तो हर तरह का मूड रहता है, कभी बहुत अच्छा भी रहता है, कभी कहते हैं मूड ख़राब भी रहता है। तो मैंने जब वो आप लोगों की स्टोरीज पढ़ी ना, तो मुझे एहसास हुआ जो मेरे साथ उस दिन हुआ था वो तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब आप लोगों ने ऐसी ऐसी स्टोरीज शेयर करी हैं कि जिन्हें पढ़ने के बाद मेरा सच में मेरा दिल भर आया कि ये दुनिया में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और दुनिया में सब लोग डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। उस वीडियो के पर्टिकुलर कमेंट सेक्शन में जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि सच में जितने लोग होते हैं उतनी ही तरह की उनके साथ सिचुएशंस भी होती हैं। किसी की कोई सिचुएशन है, किसी की कोई सिचुएशन है, लोगों ने सच में दिल से इतने बड़े बड़े कमेंट्स लिखे हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना भी नहीं चाहते ना, तो मत देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत देखिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, लेकिन कमेंट सेक्शन को जाकर ज़रूर रीड करिए, क्योंकि कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा टची हैं। और मैं क्या बोलूँ आपसे, जब आप वो वीडियो खोलोगे और उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पढ़ोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरे पास इस टाइम प्रॉपर वर्ड्स नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आपको भी उस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स हैं वो बहुत पसंद आने वाले हैं। तो ये तो रही उसकी बात। तो आज हाँ, मुझे एक आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करनी है। तो मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए 100K का गिव अवे। जी हाँ, मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए लेकर आई हूँ 100K के गिव अवे, और मैंने रूल्स बहुत ही सिंपल रखे हैं, बहुत ही सिंपल, जिससे कि हर कोई इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सके। तो इसका सिर्फ सिंपल सा एक रूल है कि आपको इस वीडियो के नीचे, पर्टिकुलर इसी वीडियो के नीचे, और किसी वीडियो के नीचे लिखोगे तो वो नहीं माना जाएगा, इसी वीडियो के नीचे लिखना है कि आपको मेरे ब्लॉग में सबसे अच्छी बात क्या लगती है। मैं इस ब्लॉग की बात नहीं कर रही जो ब्लॉग मैं आज बना के आपके साथ शूट करके मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इस ब्लॉग के लिए नहीं, इन जनरल जो भी मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ उसमें सबसे अच्छी बात आपको मेरे ब्लॉग्स में क्या लगती है वो आपको लिखना है, और साथ में लिखना है आई एम इन गिव अवे, ये चीज़ लिखनी है। एक तो आपको मेरे ब्लॉग में सबसे अच्छी बात क्या लगती है, और दूसरा आई एम इन गिव अवे, वो उसी कमेंट के साथ ही आप जोड़ सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉग में, और किसी ब्लॉग में आप जोड़ोगे तो वो नहीं एंट्री मानी जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा मैंने गिव अवे का रूल रखा है, मुझे नहीं याद मैंने इससे पहले कभी इतना सिंपल कोई गिव अवे का रूल रखा है। मैंने 10K जब गिव अवे रखा था, मैंने 30K गिव अवे रखा था, और मैंने इंस्टाग्राम पे जब मेरे फॉलोअर्स बढ़े थे मैंने तब भी गिव अवे रखे हुए हैं, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट रूल है जो मैंने इस बार गिव अवे में दिया है, और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि सिंपल जब होता है ना चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती हैं। और बाय द वे, दो गिव अवे विनर निकाले जाएंगे। पहले गिव अवे विनर को मिलेगा 1000 रुपीज़ तक का गिफ्ट, और सेकंड गिव अवे विनर को मिलने वाला है 500 रुपीज़ तक का गिफ्ट। तो ये दो गिव अवे मैंने निकाले हैं, पहले वाले को मिलेगा, आई रिपीट, 1000 रुपीज़ तक का गिफ्ट, और सेकेंड वाले को 500 रुपीज़ तक का गिफ्ट। और ये गिव अवे स्टार्ट होता है कल से, यानी कि 16 जुलाई से, और ये 15 डेज चलेगा, और ये नेक्स्ट, तो 16 जुलाई से मैंने स्टार्ट कर रही हूँ, और 30th जुलाई तक ये रहेगा, तो यानी कि पूरे 2 वीक्स चलेगा, 16 से लेके 30th जुलाई तक। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको गिव अवे के बारे में बतानी थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप में से ज़्यादा लोग इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जितने ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे मुझे उतना ही अच्छा लगने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि वो भी पार्टिसिपेट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो जो भी रूल्स मैंने गिव अवे के अभी बोले हैं, अगर इन केस अगर आपने नहीं समझे तो मैं इसे कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी आप लोगों के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन भी रीड कर सकते हो।
तो यही था छोटा सा सिंपल सा गिव अवे। आई होप कि आपको ये रूल्स अच्छे लगे होंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल है यार। और आज का यही था व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आप एक और अच्छे से प्यारे से एनर्जेटिक वाले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। गुड नाइट गाइज, बाय बाय।